हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुमित झारखंडी। और जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, मैं अभी हूँ फिलहाल रास्ते पर और ये रास्ता आपको जाता है इधर से, आपका ये साइड से चल जाएगा बागमारा और इधर से हम लोग को जाना है कतरासवाला रोड। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं बताया था कि आपको एक खट्टा के निर्देशक का, जो कि पिता का मान बेटिया फिल्म का है और वो खट्टा गीत संगीत में बहुत ही बड़ा उनका योगदान और सहयोग रहा है खट्टा भाषा को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, मैं आज फिलहाल आप लोगों को मिलाने वाला है, वो लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ में देख सकते हैं हमारे साथ अभिषेक भी है, अभिषेक भी जा रहा है। तो चलिए बिना लेट किए हुए आप लोग को उनके पास जाके मिलाते हैं और उनसे कुछ डिटेल में जानकारी भी लेंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू। पर आपका स्वागत। तो दोस्तों, बहुत ही खुशी का बात है कि आज मैं जो पहले आपको बताया था कि विनय तिवारी जी, जो कि खट्टा का एक बहुत ही अच्छे गीतकार और लेखक भी है, उन्होंने मतलब कई फिल्म लिख चुके हैं और उनका घर में मैं आ चुका हूँ फिलहाल, और उनके मेरे सामने देख सकते बैठे हुए विनय तिवारी जी। और बहुत ही अच्छा लगा कि भैया ने इतना टाइम दिया हमें, अपना टाइम समय निकाल कर, अभी इतना कीमती समय है इनके पास है नहीं, अभी कहीं प्रोग्राम में जाने वाला है ना जी, तो कहीं जाने वाला है। उसके बाद देखिए आज पूजा का दिन है और पहुंच गए। बहुत ही मेहनत लगा, नंबर मतलब मिल नहीं रहा था हमको, मतलब बहुत ही लिंक के द्वारा इनके पास पहुंच पाए अभी यहाँ। और जैसा कि चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कुछ जानकारी लेते हैं, क्योंकि खट्टा में खट्टा भाषा को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इनका मतलब इतना हिट सीट्स एल्बम, जो कि अभी मतलब आप लोग पुराना अगर जाइएगा मनोज देहाती का जितना भी गाना है, कई गानों का मतलब ये लेखक है। तो चलिए कुछ और विशेष बात करते हैं और ये क्या करने वाले आगे विनय तिवारी जी। तो नहीं, क्या मतलब कौन सा एल्बम अभी तक काम कर चुके हैं और मतलब कहाँ तक अभी ये खट्टा भाषा को प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, शुरुआती दौर से जो है सो हम लोगों ने काफ़ी खट्टा के संरक्षण संवर्धन और विकास के लिए प्रयासरत हैं। और आपने मनोज देहाती जी का नाम लिया, वो मेरे बड़े भाई समान हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे गीत उनके लिए मैंने भी लिखा, और ख़ास करके टी सीरीज में उनका बहुत गाना मैंने लिखा। ये गाना बहुत सुपर डुपर हिट हुआ कि हमका पागल बना देने, बहुत ही ज़्यादा। मैक्सिमम उनका मेरे साथ जो कॉम्बिनेशन था मनोज और मेरा, तो 90% एल्बम हिट था मेरा। तो टी सीरीज तक मतलब पहुंच गया उनका गाना जी, टी सीरीज और बहुत सारे। सही में दोस्तों, अगर आप जियो टोन में भी देखिएगा मनोज देहाती का खट्टा कहीं भी सर्च मारिएगा, तो टी सीरीज में मनोज देहाती का गाना आ जाता है, जिनका लेखक मतलब अभी थे। और एक गाना आपका है धुर्री उड़ा के, वो उसमें भी शायद अभी काम किया। और सर कितना एल्बम में काम कर चुके थे? अप्रोक्स 40 से 50 एल्बम में। और सबसे ज़्यादा प्यार जो कि लोगों को पसंद आया वो? सबसे ज़्यादा देखिए, गीत का है ना, हर आदमी का श्रोता अलग अलग टाइप का है। हाँ, लेकिन अभी तक यूट्यूब में सबसे ज़्यादा करीबन 98 लाख लोगों ने देखा है हमारा, ये हमका पागल बना देने। अच्छा, ये गीत काफ़ी मतलब झारखंड से बाहर ये गीत मतलब पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान के जितने भी हिंदी भाषी प्रदेश हैं सभी जगह गीत को बजते हुए मैंने सुना, खास करके बहुत जगह में गीत बजा। आपका जैसे विनय भैया जी, आपका मैं बहुत सारे देखे कि मतलब आप पेपर अखबारों में भी आए, आपको बहुत सारा सम्मानित अवार्ड भी मिला हुआ है, तो किस तरह का अवार्ड आपको मिला गया अभी तक, कितने प्रकार के? खट्टा के लिए श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान जो है वो खट्टा के लिए दिया गया, और पहली बार जो है कि मतलब झारखंड में हमारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ था, फर्स्ट इंटरनेशनल, तो उसमें भी हमको सम्मानित किया गया था एज ए बेस्ट गीतकार के लिए। नेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी हमको सम्मानित किया गया था बेस्ट गीतकार के लिए। और माननीय श्री मथुरा प्रसाद महतो जी जब हमारे भू राजस्व मंत्री थे, उस समय भी हमें बेस्ट गीतकार के रूप में सम्मानित सरकार से किया गया था। और 2016 में अमर बावरी माननीय हमारे जो कला एवं संस्कृति मंत्री हैं, तो अमर बावरी के द्वारा झारखंड सरकार के द्वारा भी हमें कला संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया गया था। बहुत संस्था ऐसी है और बहुत सारे मतलब लोगों का जो है प्यार है, सम्मान है, सब मिलता ही रहता है खट्टा के लिए। ये करोड़ों खट्टावासी का सम्मान है, मेरा सम्मान नहीं, ये करोड़ों खट्टावासी का ये सम्मान है। अभी हाल फिलहाल में आपका एक जो आया है पिता का मन बेटिया फिल्म, आप उनमें राइटर हैं, लिखे हुए हैं, तो वो समाज में बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है, लोग ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं और ख़ास करके खट्टा भाषा में था। तो उस फिल्म में ये मतलब कहाँ सोचे कि इस तरह का फिल्म आना चाहिए खट्टा में ही, आधा भाषा में भी हो सकता अभी था? अभी का समाज में क्या है, हम लोग कुछ दिन पहले से देख रहे हैं कि थोड़ा सा पीछे हटिएगा तो देखिएगा कि बेटी और बेटा
में बहुत जरा समाज में असमानता आ रहा था। हाँ ये जरूर, लोग बेटा खासकर देहात में जो देहात गांव घर से बिलोंग करते हैं उन लोग ज्यादा करते हैं, और बेटी को थोड़ा लोग दूसरा नजर से देख रहा था। तो अमन राठौर जी हमारे इस फिल्म के मुख्य किरदार हैं और बहुत ही अच्छे मंजे हुए और बहुत ही अच्छा रोल किए हैं उन्होंने, वो मतलब पिता का रोल किए जो कि मैं भी देखा था, और इतने अच्छे अभिनेता है, इतने अच्छे उनका काम है। और हमारे जब हमारा स्क्रिप्ट मैंने लिखा, डॉक्टर आनंद दागी का जो कहानी था स्क्रिप्ट हम लोगों ने जब तैयार किया तो हमने अमन राठौर जी को स्क्रिप्ट दिखाया। और सच पूछिए तो मतलब मैं आपके सामने ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट में भी इनका इतना हम योगदान है कि इन्होंने जो आम जो संवेदना है, आम जो सरोकार है, आम जो बोली है, भाषा है, और उनका प्रयोग इन्होंने अपने स्तर से किया। अच्छा। उस फिल्म में पूरी आज़ादी थी, उन्होंने कहा कि अपने स्तर से इन्होंने किया। डायलॉग डिलीवरी बहुत जगह में इनका सेल्फ था, उसको फिर हमने डबिंग किया। एक्ट्रेस भी थी, वो कहाँ की थी एक्ट्रेस जो काम वो की एक्ट्रेस थे? दिल्ली की है, दिल्ली की है। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा उनका भी रोल रहा जो कि एक देखिए पत्नी का रोल की थे। अगर मुझे ईमानदारी से कोई पूछा जाए आपके चैनल के द्वारा, तो मैं आपके चैनल के द्वारा अपने श्रोताओं को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो मूवी हिट हुई है ये सब कलाकारों के देन है। हमारे अमन राठौर, हमारे दिवाकर तिवारी, हमारे जिया मंसूरी, हमारे कुंदन झा, हमारे गौतम तिवारी, और हमारे पीआरओ जो हैं, हमारे प्रियतम कुमार पप्पू जी, हमारे संजय ग्याली जी, इन लोगों का काफ़ी मतलब सहयोग रहा। और हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर और कहानी के डॉक्टर आनंद किशोर दांगी जी, सबों का सहयोग रहा, इन्हीं लोग का सहयोग रहा। हाँ, मैं जे मतलब एक खड़ा रह के काम करवाएं, लेकिन ओरिजिनल में जो है सारा हिट का श्रेय हमारे कलाकारों को और हमारे पीआरओं को जाता है, इन लोग तो बहुत ही अच्छा लगा। विनय तिवारी जी का सोच विचार और समाज में मतलब झारखंडी भाषा को इतना आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट आप क्या सोच रहे हैं कि कुछ और ऐसा आएगा, क्योंकि बहुत सारे पसंद इस तरह से कर रहे हैं, तो आप लोग को भी और काम करना चाहिए आगे बढ़कर खोटा कम के लेके। तो आप नेक्स्ट क्या कुछ आने वाला है, एल्बम या तो कुछ फिल्म? अभी देखिए झारखंड की माटी एक मूवी आने वाली है, बहुत ही उम्दा मूवी है, और वो मूवी जो हमारे रियाज कुरैशी जी ने बनवाया है, उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को मौका दिया। हमारे साथ अमन राठौर भी हैं, मैं उस फिल्म में गीतकार हूँ। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि कुमार सानू जी पहली बार खोटा में उस फिल्म में गाना गाए हैं। कुमार सानू जी गाएंगे? जी, गा दिए हैं, गा दिए। कुमार सानू गाए हैं, उदित नारायण जी गाए हैं, और अमन राठौर जैसे हमारे खोटा के जाने माने एक्टर्स लोग उसमें काम किए हैं, और बहुत ही अच्छा मूवी है, लोगों को जरूर पसंद आएगा। और अभी दुर्गा पूजा के बाद फिर हम इनको लेके, अमन राठौर को लेके हम करीबन 3-4 प्रोजेक्ट करने वाले हैं, टेलीफिल्म और एक हिंदी फिल्म में भी बातचीत चल रही है। और अभी गाने का तो शूटिंग होता ही रहता है, और रांची और दीघा में हम लोग कुछ इनके गाने जो हैं इनको शूट करने वाले हैं कुछ दिन बाद। तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, जैसे बताया कि नेक्स्ट एक फिल्म आने वाला है जो कि खोटा में ही रहेगा, झारखंड का माटी बोल के। तो कमेंट्स में आप लोग बोलिएगा कि मतलब वो फिल्म कितना जल्दी आप लोग को चाहिए, तो उस तरह से मैं बात करूँगा भैया जी से, तो मैं सारा चीज़ आपको बताऊंगा कितना टाइम लगेगा, और कहीं ना कहीं हम लोग को भी मौका मिलेगा इस फिल्म में काम करने का। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि हमारे साथ अभी हमारे छोटे भाई सुनील झारखंडी जी हमारे साथ बैठे हैं, और मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो अगला प्रोजेक्ट मेरा आ रहा है उसमें हमारे साथ, हमारे प्रोजेक्ट में अमन राठौर जी के साथ हमारे सुनील झारखंडी जी हमारे प्रोजेक्ट में रहेंगे, और बहुत जल्द मैं शूट करने वाला हूँ फिल्म को। मतलब बहुत ही अच्छा लगा, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ विनय तिवारी जी को। और आप लोग से मेरा एक नम्र निवेदन है मेरे दोस्तों, मैंने खोटा चाहे वाला हमारे जते श्रोता सब है सभी ने कर चैनल टाके सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स करिया, और खोटा के मान और खोटा के सम्मान खातिर तनी समय दे के अपन खोटा के बचे है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय तिवारी जी, और आपने मुझे मतलब सबसे मैं मिला हूँ दोस्तों, सभी से मिला मगर इतना सम्मान कि मैं नेक्स्ट मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं अपना नाम ही रखा सुमित झारखंडी, इसमें कहीं रीजन कुछ कारण है, क्योंकि मुझे झारखंड बहुत पसंद है और मुझे यहाँ का भाषा जो है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है खोटा भाषा, इसलिए मैं हर एक्ट्रेस एक्टर्स लोगों से आपको मिलवा रहा हूँ। झारखंड में अच्छे अच्छे प्लेसेज हैं घूमने के लिए, मैं वहाँ जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ झारखंड में क्या है, हमारे झारखंड में क्या है। मतलब झारखंड में इतना है कि आपको पूरा मतलब वर्ल्ड को मतलब यहाँ पर इतना सोना से लेकर हर चीज़ आपको मिल जाता है, जो मतलब इतना खनिज संपत्ति सब कुछ यहाँ, मतलब इतना लोग कि धनी बाहर के लोग यहाँ के झारखंड के, क्योंकि झारखंड में कुछ मैं भी अच्छा खासा नाम कमा सकूँ, इसलिए मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, और मैं भी काम करूँगा अच्छा से, और खोटा भाषा को बढ़ाने में
मेरा भी अहम भूमिका रहेगा। और बहुत ही अच्छा लगा कि विनय तिवारी जी आए हैं हमारे चैनल में और टाइम दिया अपना, तो मुझे बहुत ही खुशी हुआ। आप लोग हमें बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा इनसे मिल के। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही था, और कोशिश करूँगा कि आपको जो कि एक्टर है आपका पिता भगवान बेटिया का, उनसे भी मिलवाने का अमर राठौर जी से। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, कमेंट्स में हमें बताइएगा, मैं उनसे भी आपको मिलाऊँगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही था, बाय।